तो भक्त पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त को भगवान बुद्धि योग देता है। मने कोई ठगी गयो तो हूं एम मानू छू के ना कर्मे जाने भगवान मारी परीक्षा लेता हश। ये प्रेमिक की बात, व्यवहारिक बोलेगा नहीं आपड़ू भोड़पण छे, पण प्रेमी बोलता है भोड़पण होय के जे होय तमे मानो, पण हूं तो मारा लाला नी लीला मानू छू। तो स्मार्ट कर्म वाला बोलेगा कि अपने कर्म में अपन थोड़े ढीले रहे तो धोखा खाए, लेकिन भगवतीय कर्म वाला बोलेगा कि इसमें भी भगवान की लीला होगी। एक दिन छोड़ के चला जाना है तो अभी थोड़ा छूट रहा है, ममता छूट रही है। एक दिन एक ढगला बड़ा छोड़ के जाना है तो थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, ऐसे ही होगा। अब एक तो वस्तु गई, दूसरा अपना दिल बिगाड़े। एक सेठ था लेकिन भगवत प्रेमी था, उसके बुद्धि में वासना नहीं थी, प्रकाश था। दुकान में आग लगी, गोदाम और घर साथ में था, आग की लपटों ने चारों तरफ धावा बोल दिया, सेठ परिवार सहित बाहर आ गया। फायर ब्रिगेड तो हिंदुस्तानी है, सुने फिर पूछे फिर साहब जरा इधर गए साहब से ऑर्डर ले। अग्निशामक आया है तब तक तो आग ने अपना चारों तरफ फैलावा कर दिया। लोग सेठ को सहानुभूति भरे वचन सुनाने लगे, सेठ जी आपके साथ तो बड़ा जुलम हो गया, आपका गोदाम भभुक भभुक, आपका दुकान, आपका घर, सब आपका, तो सेठ जी आपका तो सर्वनाश हो रहा है। सेठ ने कहा ऐसा मत कहो, ये क्या कह रहे हो, मेरा सर्व तो मेरा आत्मा है, परमात्मा है, और उसकी सत्ता से जिस बुद्धि ने मेरे को कला कौशल्य दिया वो बुद्धि भी मेरे पास पड़ी है। मेरी बुद्धि और मेरा मन और मेरी कार्य क्षमता तो मेरे पास है, ये जो यहाँ की चीजें इकट्ठी की थी और मेरे मेरे की ममता की थी, ठाकुर जी ममता छुड़ाने के लिए अग्नि के रूप में आकर भक्षण करे, अब मैं एक तो बाहर घाट और फिर अपने दिल को सताऊंगी, आए रे आए मेरा चला गया, आए रे आए मैं स्यापा करूं, नहीं नहीं मैं तो कथा सुना हूं, अपने दिल को कभी ना बिगाड़ो, व्यवहार तो ऐसा होता रहेगा। सत असत चा अहम अर्जुना, सुख और दुख मैं ही हूं, अमृत और विष मैं ही हूं, मान और अपमान करने वाले की गहराई में मैं ही हूं, और जीवन और मृत्यु की लीला भी मेरा ही स्वरूप है। ऐसा जो जानता है वो मुझे पा लेता है, मुझे जान लेता है। हम दुखी क्यों होते हैं कि मेरी बात बेटा नहीं मानता, मेरी बात पापा नहीं मानते, मेरी बात ही नहीं। अपनी बात अथवा अपनी वासना का इतना महत्व है कि वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है, पूरी होती है तो आसक्ति होती है। कृष्ण भी कभी नाराज होते होंगे, अर्जुन पर नाराजी दिखाई। श्री कृष्ण चाहते थे युद्ध करो और अर्जुन जरा आनाकानी करते थे तो कृष्ण ने भी आंख दिखाई, लेकिन कृष्ण वासना के प्रभाव से प्रेरित होकर अर्जुन को दबाव नहीं डालते कि तू युद्ध कर, लेकिन श्री कृष्ण हित की प्रधानता से अर्जुन को प्रकाश देते और अर्जुन प्रकाश की बात सुनते हुए प्रकाश की बात करते हुए भी पंडितों की सी बात करता है और फिर पलायनवादिता को पोषण देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, ये तेरी हृदय की दुर्बलता है, तू ममता को प्रधानता दे रहा है, हित को प्रधानता नहीं दे रहा है, तो हित की प्रधानता हो। बच्चा में ममता की प्रधानता होगी तो वो रोएगा चीखेगा तो आप नहलाना छोड़ दोगी, लेकिन आप में हित की प्रधानता तो चाहे रोए चाहे चीखे चाहे उसका बाप भी इनकार करे, आपको क्या पता, माँ का काम माँ जानती है, आप छोड़िए। अरे छोड़ देने, नहीं नहाता तो तेरा क्या जाता है, अरे नहीं नहाएगा तो बद्दा लगेगा, बीमार हो जाएगा, आप प्लीज बैठ जाइए। अरे बेचारा चीख रहा है, छोड़ दे, आजा आजा बेटा टुन्नू आजा, तेरी मम्मी देखते थे नहला दे। नहीं नहीं बच्चे की आदत मत बिगाड़िए, देखिए माँ इधर उधर करके बच्चे को नहला देगी, क्योंकि माँ की आंतरड़ी है बच्चे का हित। पिता भी बुद्धिमान हो तो हित ही चाहेगा, माँ ठीक करती बेटा। कुछ तो पिता ऐसे मूर्ख होते हैं कि बच्चे को माँ के विपरीत करने को उत्साहित करते हैं, हाँ तेरी मम्मी है ये ऐसी, और कुछ मम्मियां ऐसी होती है कि डैडी तो कहते रहेंगे तू अपना करता रहे, वो वहां भी पार्टीबाजी करके बच्चे की जिंदगी को खिलौना बना लेते। नहीं नहीं, बच्चे की घड़ाई घुटाई में पति अपने ढंग से सहयोग दे, पत्नी अपने ढंग से दे, बच्चे की बुद्धि में बुद्धि योग आए, बच्चे की बुद्धि में प्रकाश आए, उचित अनुचित वो ठीक समझ सके और फिर वो स्वतंत्र हो जाए।
नहीं तो वासना तंत्र हो जाए तो आप दखलंदाजी करो, दखलंदाजी करो। बच्चा, लड़का, युवक, युवतियां वासना से प्रेरित होकर लव मैरिज कर रहे हैं, वासना से प्रेरित होकर वाहवाही की तरफ पढ़ रहे हैं, वासना से प्रेरित होकर फालतू खर्च कर रहे हैं, तो माँ बाप का कर्तव्य है कि वो आगे चल के बड़ी चोट खाएगा, आप उसको रोको। जब तक आप जिस ढंग से रोक सकते रोको, नहीं रुके तो फिर ईश्वर इच्छा समझ के आप घूंट को हजम कर लो, नीलकंठ हो जाओ। अब रोका तो मैं देखो सफल हो गया, और नहीं रोका तो आए मेरा बेटा ऐसा है, हे भगवान इस बेटे से तो पत्थर होता तो ठीक होता, मैं तो मैं हे रुदन की कोई जरूरत नहीं। रुदन अज्ञान का फल है, रुदन नासमझी का फल है, फरियाद नासमझी का फल है। इसलिए गीता समझ बढ़ाने को आई, गीता ज्ञान बढ़ाने को आई, गीता सत्चित और आनंद उभारने को आई, गीता असत जड़ और दुख रूपता से आपका पिंड छुड़ाने आई। इसलिए गीता का ज्ञान जिसके जीवन में है, गुरुओं का ज्ञान जिसके जीवन में है, उसके लिए शिव जी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है जिनके हृदय में भगवत भक्ति गुरु भक्ति है, ऐसा शिवजी कह रहे हैं। शिवजी के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50 50